नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है सिविल नोटबुक की एक नया वीडियो पे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो पे हम लोगों ने देखा था इन्फिल्ट्रेशन गैलरी क्या होता है और किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन गैलरी काम करता है। इस वीडियो पे हम लोग समझेंगे इन्फिल्ट्रेशन ऑयल क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो पे देखा था जो इन्फिल्ट्रेशन गैलरी होता है ये एक सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर है जिसको हम लोग आर्टिफिशियली बनाते थे। ओके, सो यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन ऑयल आप देख सकते हैं, तो ये भी देखिए सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर है। मतलब ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस की नीचे की वाटर का सोर्स है। ओके, तो ये है दोस्तों सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर, ये भी हम लोग आर्टिफिशियली ही बनाते हैं। ओके, और रिवर बैंक पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिवर है और ये है दोस्तों रिवर बैंक, सुइटेबल रिवर बैंक पे हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स देखिए, जो इन्फिल्ट्रेशन ऑयल होता है ये शैलो ऑयल होता है, मतलब ये ज़्यादा गहराई तक नहीं होता है। ओके, शैलो ऑयल्स होता है। और इन्फिल्ट्रेशन ऑयल जो होता है ये देखिए ब्रिक से बना हुआ होता है और इनका जो जॉइंट होता है ये ओपन जॉइंट होता है। ओके, और इसको हम लोग देखिए सीरीज पे बनाते हैं, एक दो तीन इस तरीके से बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन ऑयल हो सकता है जिनको हम लोग सीरीज पे बनाते हैं। और देखिए ऊपर देखिए हम लोग इसको ढक रखते हैं किससे, आरसीसी यहाँ पर स्लैब से। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं आरसीसी स्लैब से ये ढका हुआ है ताकि देखिए कोई आपका अनवांटेड पार्टिकल्स या फिर कोई एनिमल कुछ भी इसके अंदर ना चला जाए और वाटर को कॉन्टेमिनेट ना करे, तो इसलिए हम लोग इसको ढक के रखते हैं। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन होल भी होता है, अगर क्लीनिंग या फिर इंस्पेक्शन करना होता है तो मैन होल को ओपन करके इसके अंदर आदमी जाके उसको इंस्पेक्ट या फिर क्लीन कर सकता है। ओके, तो इस तरीके से देखिए जो आपका इन्फिल्ट्रेशन ऑयल है कॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए, जो इन्फिल्ट्रेशन गैलरी था उस पे जो परफोरेटेड पाइप था उनको हम लोग हॉरिजेंटली प्लेस करते थे या फिर नियरली हॉरिजेंटल। बट देखिए जो इन्फिल्ट्रेशन ऑयल है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए बिल्कुल वर्टिकल कंस्ट्रक्शन है। ओके, सो ये वर्टिकली हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसका जो बॉटम है ये देखिए ओपन होता है। ये है दोस्तों बॉटम जो कि आपका ओपन होता है। अब बॉटम पे हम लोग बॉटम प्लाग डालते हैं। सो बॉटम प्लाग यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं जेनरली सैंड जो कि फिल्टर मटेरियल की तौर पे काम करता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो वाटर है धीरे धीरे इस लेयर के थ्रू इन्फिल्ट्रेट करता है और देखिए यहाँ पर वाटर स्टोर होता है, इन ऑयल्स के अंदर वाटर स्टोर होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक पाइप शो हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इस इन्फिल्ट्रेशन ऑयल से वाटर इन पाइप के थ्रू एक बड़े से ऑयल पे चला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा सा ऑयल, इसको हम लोग कहते हैं जैक ऑयल। ओके, इसको हम लोग जैक ऑयल या फिर सांप ऑयल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर वाटर स्टोर होता है, इन जितना भी यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन ऑयल है ये कनेक्टेड होता है पाइप के माध्यम से इस बड़े से ऑयल के साथ। तो जैक ऑयल पे जो पानी आता है उसको हम लोग पाम के सहारे हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट पे भेज देते हैं और वहाँ से हम लोग वाटर डोमेस्टिक या फिर इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स ये हो गया आपका इन्फिल्ट्रेशन ऑयल। तो इन्फिल्ट्रेशन ऑयल हम लोग वर्टिकली कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, रिवर बैंक पे कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, इसका जो बॉटम है ये ओपन होता है और ये शैलो डेप्थ तक होता है। ओके, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है इन्फिल्ट्रेशन ऑयल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।